दोस्तों नमस्कार। अगर आप सीएससी के वीएलई हैं या आप मिनी बैंक चलाते हैं, आप किसी भी बैंक के बीसी हैं या आप प्राइवेट कंपनी से जैसे कि स्पाइस मनी हो गया, डीजीपे हो गया, ये यूज करते हैं, तो आपको कुछ बैंकों का जो है एईपीएस काम नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा या कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये कैसे हो रहा है इसी के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार कुछ बैंकों में मर्ज किया गया है। जैसे कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आंध्रा बैंक का आता है और आपके पास आने पर वो कैश विड्रॉ या बैलेंस इंक्वायरी करने को कहता है, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि आप बैंक सेलेक्ट नेम में जो है आंध्रा बैंक का सिलेक्ट करते हैं, आंध्रा बैंक का, और उसका आधार नंबर डालने के बाद से प्रोसेस करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने पे वो नहीं बताएगा, क्योंकि आरबीआई ने आंध्रा बैंक का जो है एईपीएस को बंद कर दिया गया है। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ यूनाइटेड को क्या किया गया है कि यूनियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक को मिलाकर एक यूनियन बैंक में ही मर्ज कर दिया गया है। अगर आपके पास कोई आंध्रा बैंक का या कॉर्पोरेशन बैंक का कस्टमर आता है और आधार से बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रो कराने को कहता है, तो आपको सिंपली यूनियन बैंक ही सिलेक्ट करना है, चाहे वो आंध्रा बैंक का हो या कॉर्पोरेशन बैंक का कस्टमर हो। सिंपली इसी तरह अगर कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया है, अगर आपके पास कोई कस्टमर सिंडिकेट बैंक का आता है और आपको कैश विड्रॉ या बैलेंस इंक्वायरी करने को आता है, तो सिंपली आपको सिंडिकेट बैंक चुनने के बजाय कैनरा बैंक सिलेक्ट करके उसका आधार नंबर डाल के और आगे की प्रोसेस करना है। और इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज किया गया है। अगर आपके पास कोई कस्टमर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का आता है और आपसे बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉल करने को कहता है, तो सिंपली आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जगह पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट करेंगे। बैंक नेम में पंजाब नेशनल बैंक को सिलेक्ट करेंगे। आपको वहां पे देखने को भी मिल जाएगा कि पंजाब नेशनल बैंक प्लस ओरिएंटल बैंक प्लस बैंक ऑफ कॉमर्स। और इसी तरह आपको अलाहाबाद बैंक का भी है। अगर अलाहाबाद बैंक का कोई कस्टमर आता है तो आप अलाहाबाद बैंक ना सेलेक्ट करके आप इंडियन बैंक सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इस सभी बैंकों का लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे कि आपको कौन सा बैंक का कस्टमर आएगा तो आप कौन सा बैंक सेलेक्ट कीजिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।